आपका ठीक नहीं है, निष्कर्ष निकलता है जी। और सबसे पहले तो आयोजकों को बधाई कि आपने इतने बड़े डिप्टी स्पीकर हॉल में पूरा हॉल भरा हुआ है और काफ़ी जो बहुजन जमात के जो लोग इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं और पत्रकार हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। यही बात ये साबित करता है कि कटिंग अक्रॉस लाइंस जितने संगठन में काफ़ी लोग इकट्ठा हो रहे हैं तो परिवर्तन होता है। देखिए ऐसा है, गौतम बुद्ध से लेकर और कांशीराम जी तक समाज सुधारकों ने बार बार बीच बीच में समाज जगाने की कोशिश की जी, लेकिन हमारा समाज कभी जगा, कभी सुषुप्त रहा, कभी अर्धनिद्रा में रहा। और अभी जो जमात है, मनुस्मृति कैसे लागू हुआ नहीं लागू हुआ तो देखा नहीं था, लेकिन 4 साल के शासन काल में जो मनुस्मृति का जो ट्रेलर आया है, पूरा ट्रेलर जी, उससे समाज अब जग गया है, समाज जग गया है और सबको लग रहा है कि भाई ये जाति नहीं जमात का भी सवाल है। और जो सरकार अभी केंद्र में और देश के जितने सूबों में है, वो मूल रूप से मनुस्मृति में विश्वास करने वाले लोगों की सरकार है। इसलिए जो आगाज़ हुआ है यहाँ पे, और जैसे लगातार हम लोग भी घूम रहे हैं, हम लोग तो कार्यकर्ता की तरह शामिल हुए हैं यहाँ पे, और लगातार हम लोग जाकर प्रोग्राम में शामिल होते हैं, लोगों को सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं। ग्रास रूट से लेकर और दिल्ली तक, ज़मीन से लेकर गाँव में घूमते हैं हम लोग, सोशल चर्निंग हो रहा है। देखिए आप चाहेंगे कि ओवरनाइट आप परिवर्तन हो जाए समाज में, ऐसा होता नहीं है। जो मनुवादी व्यवस्था आप जिसको कहते हैं, वो हजारों साल से उनके पास मठ थे, मंदिर थे, राजसत्ता था, संसाधन था, तमाम अपने स्कूल खोले, कॉलेज खोले, सारे संसाधनों पे कब्जा है, तो संख्या से थोड़ी राज करता है, वो तो अपने आइडियोलॉजी से राज करता है ना, वर्चस्व से राज करता है, वो तो कर ही रहा था। लेकिन अब है कि समाज में चर्निंग हो रही है, लोग शिक्षा पे बात कर रहे हैं, स्कूल खोलने में बात कर रहे हैं, कॉलेज खोलने में बात कर रहे हैं, तो अच्छी शुरुआत है। दूसरा, 21वीं सदी का नौजवान है, वो रेजिस्टेंस तो करेगा ही। मतलब ये है कि जब 2 अप्रैल को जो भारत बंद हुआ, उसके अंदर हजारों लड़के जेल गए थे, इसी तरीके के नए नए संगठन बनाए गए, और उन संगठनों के तहत जो काम हुआ ये आपकी नज़रों के सामने है, मेरा कहने का मतलब ये है। नहीं देखिए, 2 अप्रैल की जो घटना है वो घटना नहीं, संकेत है। जैसे ऊना और सहारनपुर और दलितों पर दमन और पूरा उसके अधिकार छीने जाना, मार पिटाई कुटाई, ये भी घटना नहीं संकेत है ना मनुस्मृति के शासन का जी। तो उसी तरीके से 2 अप्रैल भी घटना नहीं संकेत है कि देश के हुक्मरानों को समझ लेना चाहिए कि व्हाट्सएप पे भी ये देश बंद हो जाएगा, व्हाट्सएप पे बगैर नेता के भी देश बंद हो सकता है जी। तो उसके बाद लोगों में चेतना का बहुत ज़बरदस्त प्रचार प्रसार हुआ है। और ये आप मान लीजिए कि 2 अप्रैल का जो बंद था वो सिर्फ दलितों का बंद नहीं था, बहुजन का बंद था, बहुजन था। उसमें अल्पसंख्यक जमात के लोग, जो पिछड़े वर्ग के लोग, जो तमाम तरह के लोग थे, उन्होंने सक्रिय भागीदारी निभाई और उसका सामूहिक, हमारा सामूहिक जो संघर्ष है उसका परिणाम था। इसलिए हम लोग आह्वान भी कर रहे हैं कि बहुजन बनाम अल्पजन 19 जी, कि इनका मन बढ़ गया, सत्ता तो मिल गया लेकिन सत्ता पचाने की आदत इनको नहीं जी। तो ये जनऊ और पूंजी का गठबंधन हो गया है, ब्राह्मण और पूंजी का, ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद का, तो आपको तो जो फिर उसका रेसिस्टेंस भी बहुजन एकता जमात में होगी ना, जाति में नहीं होगी, जमात में होगी। तो अच्छा संकेत है, काफ़ी लोग आए हैं और तमाम 2019 तो हम देखा जाए कि जो पार्टी चुनाव हार जाती हैं तो कहते हैं ईवीएम में कमी है। आपका एक व्यक्तिगत मैं क्वेश्चन आपसे करने जा रहा हूँ कि सर, जब 2019 का चुनाव होगा, बैलेट पेपर से कराना पसंद करेंगे या मशीन से कराना पसंद करेंगे? अगर इतने सारे लोग अगर सवाल उठा रहे हैं, और दुनिया के तमाम विकसित लोग जहाँ की इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन हुआ जी, अगर वहाँ कागज से चुनाव हो रहा है, बैलेट पेपर से, तो भारत जो कि सब कुछ नकल करता है, बोरो करता है हर जगह से, तो भारत में क्या हड़बड़ी है कि यहाँ मशीन से कराने की? अगर लोग चाह रहे हैं, आवाज़ उठ रही है, तो बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। क्योंकि अब तो सरकारी, आप जैसे वो सरकारी अस्पताल में जो सरकारी लोगों ने भी कह दिया भाई, हम अपने जो नौकरी करते हैं उसी तरह नौकरी करेंगे, चुनाव में अगर ड्यूटी लगेगी बैलेट पेपर पर हम नौकरी करेंगे। लेकिन उसके बावजूद ये आपत्तियाँ आ रही हैं कि भाई नहीं, उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, ज़्यादा समय लगता है, काउंटिंग में ज़्यादा समय लगता है। आप सेवा देने के लिए तैयार हैं लेकिन वो सेवा लेने के लिए तैयार नहीं। इसका मतलब है ना, कहीं कहीं दिक्कत है जी, सोच में दिक्कत है कि इस देश के जिस तरीके से 90 के बाद और ख़ास तौर से कांशीराम जी के बाद जी, और मंडल कमीशन के बाद लागू होने के बाद जिस तरीके से बहुजन चेतना में उभार हुआ, तो पहले तो आप वोट देने नहीं देते थे, बूथ लूटते थे पहले, दलित पिछड़ा कहाँ वोट देता था। लेकिन अब जो है, अब वो वोट देने जा रहा है,
तो वोट देने जा रहा है तो उसको पता है कि बहुजन समाज जब जग जाएगा, वोट देगा तो उसको सत्ता से बाहर कर देगा, उसको सरकार से भी बाहर करेगा, संसद से भी बाहर करेगा, न्यायपालिका से भी बाहर करेगा। इसलिए इन्होंने हेरा फेरी की है, ठीक है। तो जब तक लेकिन बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होता है तब तक मशीन से जो चुनाव, हम लोग को उसमें विजिलेंट रहना होगा, निगाह रखनी पड़ेगी। जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि इलेक्शन के दरमियान बोले कि 200 मशीन गड़बड़ हो गया रिकाउंटिंग करने का। तो जब रिकाउंटिंग करने की बात हो गई तो हम लोग को रिकाउंटिंग नहीं करना, हम लोग कहना रीपोल कराओ, फिर से पोल कराओ उसमें, कि रिकाउंटिंग में अगर 50 वोट भी पर अगर मशीन इधर उधर हो गया तो आपका पूरा सिस्टम खराब हो गया। तो हम लोग को वीवीपैट पर फोकस करना है और रीपोलिंग पर फोकस करना है, नंबर एक। नंबर दो, देखिए मशीन कितना गड़बड़ करेगा, मशीन जो है ना 100% गड़बड़ नहीं करेगा, ना 10% करेगा गड़बड़। हमारी राय ये है कि अगर 10% गड़बड़ भी हो तो आप अपने आपसी मतभेद भुलाकर दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक आदिवासी तमाम लोग और इतना बल्क में वोट दे दीजिए कि उसका मशीन फेल हो जाए और हमारा कैंडिडेट पास हो जाए बस। लेकिन सर अभी आपने देखा कैराना पर जो इलेक्शन हुआ था, कैराना पर जो चुनाव हुआ था, तो उन्होंने भी माना कि भी ईवीएम को लू लग गई है। हाँ। आदमियों को लू लगती है, अब तो देवता भी बीमार पड़ रहा है, लू लग जाती है, सर्दी लग जाती है, क्या कहिएगा। इससे लोगों के हाथ में शासन है जिसको वैज्ञानिक सोच से मतलब नहीं है। तो जनता जाग रही, 19 में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। थैंक यू।